Hello friends, welcome back to my channel. This is me, David, and you're watching Curious David. तो friends, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट की. आखिर क्या होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट और ये कहां पर यूज होता है, चलिए जानते हैं. और जानने से पहले आप ये वीडियो देखो जिसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेट की एप्लीकेशन बताई गई है. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया है, जो गाड़ी के पीछे एक डिवाइस पड़ी होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, जिसको कि ऑन करने से जो आसपास की जो गाड़ी होती हैं, जो मेटल की ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग पड़ते हैं. पर इस वीडियो में एक गलत इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है, वो हम एंड में बात करेंगे. चलिए हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है. अगर सिंपल भाषा में बात करूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट दो वर्ड से बना हुआ है, मतलब इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट मतलब मैग्नेटिक फील्ड. ओके, मतलब ऐसा मैग्नेट जो कि बिजली के साथ चलता है. जी हाँ, आपने सही सुना, ये जो मैग्नेट है ये बिजली के साथ चलता है. एंड पता है, इसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि हम कोई भी लाइट ऑन करते हैं तो ऐसे ही इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं. ये सिंपली जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं. सेंटर में आयरन कोर होती है और उसके ऊपर कॉपर वायर लपेटी गई होती है, सिंपल बस. और आप ये इलेक्ट्रोमैग्नेट घर पर भी बना सकते हो आराम से, कुछ भी नहीं चाहिए. मतलब कॉपर वायर चाहिए और आपको कोई आयरन नेल चाहिए, सिंपली दो चीज़ों को यूज़ करके आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हो घर पर ही. और आपको पता है, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है हम इसको रैपिडली ऑन ऑफ कर सकते हैं, मतलब कि इसकी हेल्प से हम एक चीज़ को हवा में ही रख सकते हैं. अगर समझो एग्जांपल, अगर हम किसी चीज़ को ऑन कर, समझो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑन किया, तो वो जो मेटल की चीज़ है उसकी अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है. उसको जब खींचेगा, हमने उसी टाइम उसको ऑफ कर दिया, वो फिर नीचे गिरने लगेगा, फिर हम उसको ऑन कर देंगे, फिर वो ऊपर जाएगा, फिर ऑफ कर देंगे नीचे जाएगा. ऐसे ही अगर हम बहुत तेज़ ऑन ऑफ करें तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो हवा में ही रहेगा, ना गिरेगा ना मैग्नेट की तरफ जाएगा. इसको मैग्नेटिक लेविटेशन कहते हैं और ये ट्रेन्स में यूज़ किया जाता है. चलिए मैं आपको बताता हूँ कि जो सीन है उसमें गलत क्या है. एक्चुअली जो लोहे की चीज़ होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट उसको सिर्फ खींच ही सकता है, पुश नहीं कर सकता. पर इस वीडियो में उन्होंने पुश भी कर दिया एंड मोर ओवर. पर हाँ, मैं मानता हूँ ये मूवी है, मूवी में कुछ भी दिखा सकते हैं, पर जिन्होंने साइंस पढ़ी है उनको पता ही है फिजिक्स का लॉ होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ओके, पर जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑन करते हैं, जब गाड़ी खींचते हैं, इनकी गाड़ी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता. एंड जब पुश भी करते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता. पता नहीं कौन सी फिजिक्स यूज़ करते हैं. मेरे ख्याल से जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऐसे ही इन्होंने फिजिक्स भी ऑफ कर दी. आई होप फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. ऐसी और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को शेयर करो और लाइक करो. और मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ. टिल देन, बाय, टेक केयर.